Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. खुदावंद यीशु के बाबरकत नाम में आज शाम आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार करते हैं। खुदावंद ने आज हमें ये मौका दिया ताकि हम आपके दरमियान मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे सके। और आज शाम मैं आप सबको वीकली प्रेयर में वेलकम करती हूँ। वीक में एक दफ़ा हम आते हैं और हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और ये वीकली प्रेयर बहुत बाबरकत प्रेयर है और आपकी टेस्टिमनी से इस बात का सबूत देती है कि खुदावंद आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं और मेरा ईमान है कि आज आप इबादत के वसीले से बरकत पाएंगे। मैं चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप आज की प्रस्तुति के वसीले से और आज के कलाम के वसीले से आप बरकत पा सकें। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात के लिए कि आज हमारे दरमियान मेरे तहमीना तारीख वर्शिप स्कूल के जूनियर सेक्शन के बच्चे भी मौजूद हैं, जिनमें से कैनिस है और ईजा है। इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत जल्द इनका एक नया गीत आ रहा है जिसका टाइटल है राह तैयार करो। मैं चाहूंगी आप अपनी खानदानी और शख्सी दुआ में इन बच्चों को याद रखें ताकि इनकी जिंदगियों से खुदा अपने जलाल को, अपनी कुदरत को जाहिर करे। और जैसे ही अपने कदोकामत में बढ़ते हैं, ये खुदा उनकी हजूरी में बढ़ते जाएं और हमेशा खुदा के खौफ में रहें। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमारे दरमियान पास सलीम साहब है, सलीम रफीक साहब मेरे बड़े भाई हैं और आज वो खुदावंद के कलाम की मुनादी करेंगे। और मेरे ईमान है कि जब आज खुदावंद का बंदा खुदा के कलाम की मुनादी करेगा, आप तक खुदावंद की आवाज़ को पहुंचाएगा तो आप बरकत पाएंगे। इसके साथ साथ सिस्टर अरुष्मा है, उनके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सीनियर सेक्शन की स्टूडेंट है। और इसके साथ साथ सिस्टर रुबीना है, तहमीना तारीख वर्शिप मिनिस्ट्री की मैनेजमेंट डायरेक्टर है। और इसके साथ साथ सीनियर सेक्शन में से मारिया है और जवेरिया है, इनके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हर बार की तरह हमारे दरमियान आज फिर से जिशान भाई है और बहुत सारे लोग इनके बजाने की वजह से मुझे बहुत सारी टेस्टिमनीज भेजते हैं कि जब खुदा का बेटा हम ढोलक बजाता है तो हमें बहुत बरकत मिलती है। मेरे जिसो खुदा का कलाम फरमाता है कि जब सांस और आवाज मिलते हैं तो खुदा का बिछाता है। इस तरह हमारे सीनियर सेक्शन में से भाई सुहेल है, वो भी मौजूद है। और मेरा ईमान है कि आज हम सब मिलकर आपकी बरकत के लिए हम दुआ करेंगे आप सबके लिए और आपकी जिंदगियां बहाल होंगी। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने हमारे सीनियर सेक्शन के बच्चों का बहुत गीत को जो है वो पसंद किया। बहुत सारे लोगों ने बरकत दी, हमने कोशिश की कि हम खुदावंद के अजीम प्रस्तार जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके गीतों की वसीले से वो हमेशा हमारे दरमियान होते हैं और हमने उन्हें ट्रिब्यूट दिया है। और मेरा ईमान है बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई, बहुत सारी टेस्टिमनीज रिसीव हुई हमें। हम कोशिश करते हैं कि हम कलाम के मुताबिक बेहतर तौर पर कर सकें। और मैं चाहूँगी कि आप हम सबको भी अपनी खानदानी और शख्सी दुआ में याद रखें। इसके अलावा मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आज शाम हम एक साथ मिलकर सभी आए हैं वर्शिप करने के लिए, एक बड़ी टीम के साथ आए हैं हम। और इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम बहुत बड़ी टीम के साथ आज आपके दरमियान मौजूद है। आपने प्रोग्राम फ्रूटफुल लाइफ विद तहमीना तारीख को बहुत पसंद किया और आपकी टेस्टिमनी इस बात का सबूत देती हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूंगी कि जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं हम उन सबके लिए बहुत थैंकफुल हैं। इवेंजलिस्ट सोनू गोरी हैं, थैंक यू सो मच ब्रदर जी। मारिया असलम है, उनके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसके अलावा उज़्मा पॉल हैं, थैंक यू सो मच उज़्मा भाजी। साउल बादशाह हैं, उनके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं।
माहा आसिम हैं, उनके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसके साथ साथ शहरोज सुहेल हैं, उनके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे दीगर जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं और एवरी वीकली वो हमें वॉच करते हैं, उन सबके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है कि आज जब हम प्रस्तुत करेंगे तो खुदावन बहुत सारे जकड़ों को प्रस्तुत के वसीले से आजाद करेगा, बहुत सारे बंधन जो है यीशु के नाम से खुलते जाएंगे, बेड़ियां यीशु के नाम से खुलती जाएंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब पालाउस और सलास कैद खाना में थे तो मेरे अजीजों उन्होंने सिर्फ प्रस्तिश की और प्रस्तिश के वसीले से खुदावन ने अपने आसमान को खोला और बेड़ियां खुल गई। आमीन। इस बात की हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप में से कोई बीमार है आपके रिलेटिव में से या आप खुद ही आप चाहते हैं कि हम आपके रूहानी जिंदगी के लिए दुआ करें, बीमार रहे कोई उनकी बीमारी के लिए दुआ करें, अगर आप जॉबलेस हैं, आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में शिकार हैं, तो आप ज़रूर हमें अपने कमेंट कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 03005169143 पर। इसके साथ साथ आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, आपके घराने के लिए दुआ कर सकें। और इस बात की हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और अगर खुदावन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करता है तो आप इस बात की भी शुक्रगुजारी की आप गवाही दे सकते हैं कि खुदावन जो बड़े बड़े काम करता है वो हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है। इस बात के लिए भी हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो सोशल मीडिया का नंबर है वो बहुत सारे लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, उसमें हमें बहुत सारी टेस्टिमनीज रिसीव होती हैं, कॉल्स रिसीव होती हैं। और जबकि हम आपकी कॉल्स को नहीं अटेंड कर सकते हैं ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन हम आपके लिए दुआगो हैं, हम हमेशा आपके मैसेजेस हमें मिल जाते हैं और हम आपके लिए दुआ करते हैं। और मेरा ईमान है कि जब हम दुआ करते हैं तो खुदावन आपकी ज़िंदगी में काम करता है। हम शुक्रगुजार ही करेंगे। आइए हम अपनी इबादत को हम शुरू करेंगे और मैं चाहूंगी सिस्टर अरुष्मा दुआ में रहनुमाई करेंगी। प्रेज हालेलुया। कुदूस कुदूस अमीन और आसमान के खालिक और मालिक के हुआ पाक खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं मेरे जिंदा बादशाह, खुदा के सौ बराबर हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी जिंदगी में ये मौका बख्शा कि हम तेरे कदमों में आ सके। मेरे खुदावंद हम जो करते हैं नाम को इज्जत और जलाल दे सके क्योंकि तू तो जिंदा खुदा है। सुन लिया हो पाई हम तेरे जो अपने बाद आके मुताबिक होना चाहिए तो क्या करें। मेरे खुदावंद इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावंद। ऐसे खुदावंद आज की सात मेरे खुदावन तू कहता है कि मेरे नाम से मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे खुदावन आज मैं तेरे जलाल को यहाँ पे मांगती हूँ, आज मैं तेरे प्रस्तुति के वसीला से बंधन टूटते जाए मेरे खुदावन, आज प्रस्तुति के वसीला से जकड़े आजाद हो मेरे खुदावन, आज के वसीला से आज हमारी प्रस्तुति के वसीला से अंधे देखे गुंगे बोले मेरे खुदावन, जलाल पाए मेरे खुदावन, मेरे खुदावन तेरे नाम से सब बंधन टूटते जाए और जलाली नाम लेके मांगती हूँ। आइए मिलकर हम काम की सताश में आगे बढ़ेंगे। हाल दिया Hallelujah.
आसमानों का सच्चा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, वो जो अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान उतर आया है, उसने अपने आसमान को खोल दिया है। आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। आइए जितने लोग हमें देख रहे हैं, आइए अपने घरों में आइए अपने हाथों को उठाइए और शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे। मेरे खुदा में तुझे शुक्रगुजारी के लायक है, तुझे तासीर के लायक है, तुझे तारीफ के लायक है। यीशु के नाम पे हम अपना छोटा हाथ तेरे बड़े हाथ में देते हैं। मैं चाहूंगी आइए सुबह साथ साथ मिलकर दुआ करेंगे। हां यीशु के नाम में प्रेज जीसस ग्लोरी। आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू तो भला है, यीशुस का नाम भी है, तेरा प्यार निराला है, तू वादों में सच्चा और गनी है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस मौका इस घड़ी इस वक्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा, ताकि खुदावंद हम तेरे नाम को मिलकर इज्जत और जलाल दे सके, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगी में से फकत तेरे नाम को जलाल मिले। आसमानी बाप तेरी मौजूदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो अब आप अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद सारी वर्शिप को तेरे हाथ में देते हैं। आसमानी बाप हमारा गाना बजाना है खुदावंद सिर्फ तेरे लिए हो। आसमानी बाप आज का यहाँ पर मिल बैठना है खुदावंद बाई से बरकत का साबित हो, ताकि खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। आसमानी बाप सुनने वालों के लिए देखने वालों के लिए खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद, ताकि खुदावंद हम सब मुत्तफिक होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, ताकि हमारी जिंदगियों में से फकत सारा जलाल तेरे नाम को मिले। जो कुछ मांगा ईमान से पाया, जो मांगना भूल गए हैं वो तू जानता है। यीशु अल मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। आइए हम खुदावंद की सिफारिश में आगे बढ़ेंगे और हम जबूर गाएंगे जबूर 18 आपे ऊपरों हाथ बजा के मेनू रब बचावे। Thank you.
तारीफ करते हैं, वो जो हमारा जोर है, वो जो हमें कुव्वत बख्शता है, वो जो हमें तकवीत बख्शता है, हम उसके जोर के लिए शुक्रगुजार ही करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं इंटरनेट जैसी सहूलत के लिए, कोई भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज बथेरे इंटरनेट के थ्रू खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा की सिताइश को सुनते हैं। हम इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए मजीद हम खुदा की सिताइश में आगे बढ़ेंगे और हम गाएंगे सुर नंबर 46 आने वाले दिनों में आप इस सुर को सुनेंगे। सिस्टर मरियम आफ्ताब है जिनका दल अमेरिका से है, उन्होंने गाया है मेरे साथ और मैं चाहूंगी कि आप उन्हें भी अपनी खानदानी और शख्सियत को आप याद रखें। और मेरा ईमान है कि जब ये जबूर आएगा तो आप बरकत पाएंगे। शेरी भाई ने इसका म्यूजिक दिया है हर बार की तरह और हम इसकी बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए मिलकर गाएंगे रब साडा जोर है ते नाले साडी है बना। शेरी भाई के साथ मिलकर प्रेज Thank you.
हमारी पनाह है, वो जो हमारा जोर है, हम इस बात के लिए खुदावन के शुक्र गुजार करते हैं। आइए एक बार फिर से हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम ज्वेलिया के साथ मिलकर दुआ करेंगे। सुहाना मौका बख्शा खुदावन, ताकि हम मिल बैठ के तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। खुदावन पूरी बरकत देने वाला खुदा है खुदावन, आज तुझसे बरकत को मांग लेते हैं खुदावन, तेरे जलाल को इस जगह पर मांग लेते हैं खुदावन, कि आज जितने लोग देख रहे हैं खुदावन, बहुतों की जिंदगियां तब्दील हो जाए खुदावन, खुदा यहाँ पर तेरा तख्त लग जाए फिर खुदा, तेरी बरकत देने वाला खुदा है सराजा, एक एक की जिंदगी पर तेरी बरकत और तेरी रहमत को मांग लेते हैं खुदावन, आज जो कलाम हो खुदावन, कलाम के वसीला से बहुतों की जिंदगियां तब्दील हो जाए खुदावन, तू हमसे बोले खुदावन, ऐ फिर खुदा तू ही बरकत बख्शने वाला खुदा है, मेरी छोटी इल्तिजा को सुनना और कबूल करना, यीशु मसीह के नाम से मांगती और पा लेती हूँ। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, बहुत सारे लोग हमें वॉच कर रहे हैं, हम जॉन है, फैशल है, कैंडी रोज है, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, रेहान मैक्स है, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, मिट्टू शानी है, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, इरफान रंधावा है, प्रेज द लॉर्ड, हम उनके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, सागर मसीह के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, और इसके साथ साथ शकील अंजुम है, उनके लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, विक्रम मॉल है, उनके लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, और तमाम लोग जो हमें वॉच कर रहे हैं, उन सब के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग आज के कलाम के वसीले से, आज की प्रस्तुति के वसीले से बरकत पा सके। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, अजमत भाई हैं, उनके लिए खुदावन के अजीम खादिम स्टीफन जॉन हैं, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, हमें वॉच कर रहे हैं, उनके लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, सिस्टर कोमल जावेद के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, और इस तरह जितने लोग भी हमें वॉच कर रहे हैं, उन सब के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आज हम खुदावन की बंदी के साथ सिस्टर रुबीना के साथ मिलकर हम बीमारों के लिए दुआ भी करेंगे, और मेरा ईमान है कि जब खुदावन की बंदी बीमारों के लिए, बेरोजगारों के लिए, अबलीस के जकड़ों के लिए दुआ करेगी, तो आज सभी लोग आज़ाद होंगे और खुदावन उनकी जिंदगियों को बहाल करेगा। आइए मजीद हम खुदावन की सिताइश में आगे बढ़ेंगे और स्लीप बाइक के साथ मिलकर हम प्रस्तुति करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Thank you.
मेरी जिंदगी तेरी है, मैं अपने आप को आज तेरे ताबिया करता तेरे ताबिया करती हूँ। कहिए अगर आप यंग हैं तो कहिए खुदावन आज से मेरी जवानी की कोई हकारत ना करे, बल्कि आज से मैं अपनी जवानी तेरे नाम करता हूँ, तेरे नाम करती हूँ। खुदावन की शुक्रगुजारी कीजिए कि खुदावन ने रूह जमीन पर आपको जिंदा रखा है। आइए इन सांसों के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी। आइए हमारे दरमियान कैनिस हैं, हम उसके साथ मिलकर दुआ करेंगे। छोटी है, मैं चाहूंगी आप इन बच्चों को जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा ताकि ये खुदावन की कुदरत में, खुदावन के कलाम में, खुदावन की सिताइश में बढ़ते रहेंगे और वो हमारे साथ मिलकर दुआ करेंगे। कदूस कदूस रब्बल फाल, खुदा तू जो है जाने वाला खुदावन, इस दिन के लिए खुदावन, इस घड़ी के लिए दुआ करते हो जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा खुदावन, खुदावन इस वक्त के लिए दुआ करते हो खुदावन जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा खुदावन, हम सब खुदावन हम सब के लिए दुआ करना खुदावन, हम खुदावन जो भी गया खुदावन तेरे नाम से गया खुदावन, मेरे जिंदा जला रहे खुदावन, खुदावन जितने भी यहाँ पे बैठे हैं उनको खुदावन बहु के तलवे तक खुदावन बड़ा ब्लेस करना खुदावन, खुदावन ने जो सब भाई तपला बजाया खुदावन इनको बड़ा मस्त ब्लेस करना, यस लॉर्ड हालेलुया। आइए खुदावन की सिताइश में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, हम उनके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, खुदावन आपको बरकत दे। अरुण सिंह है, थैंक यू वेरी मच अरुण, खुदावन आपको बरकत दे। अनुपम राज है आंटी, थैंक यू वेरी मच, खुदावन आपको बरकत दे। जब भी हम लाइव होते हैं वीकली, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीकली प्रेयर मीटिंग है लाइव, और तेमिना तारिक ऑफिशियल फेसबुक पेज से इस वक्त लाइव है, और मैं चाहती हूँ कि आप हर हफ्ते हमारे दरमियान शामिल हुआ करें इंटरनेट के थ्रू, ताकि मैं और आप मिलकर एक दूसरे के लिए बरकत जा सके। और इस बात के खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। अनुपम राज आंटी इंडिया से हैं, और जब हम लाइव आते हैं हमेशा हमारे साथ होती हैं, हम इनके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, और मेरी दुआ है इनके लिए और इनके घराने के लिए खुदावन इन्हें बरकत पर बरकत देता रहे। हालेलुया। जॉनसन भाई, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, खुदावन आपको। सिलिशिया क्रिस्टीना है, थैंक यू वेरी मच सिलिशिया, खुदावन आपको बरकत दे। आसिफ प्रेम है, उनके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। बादल सिंधु है, उनके लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उन सब के लिए खुदावन की। अनीता मॉरिस हैं, थैंक यू सो मच अनीता, खुदावन आपको बरकत दे। और इसके साथ साथ बनी हैं, उनके लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और अनिल कुमार हैं, थैंक यू सो मच अनिल भैया, खुदावन आपको बरकत दे। अलिशबा कामरान सुल्तान है, प्लीज़ ज़रूर हम ज़रूर गाएंगे इस बुरे स्थिति, और खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया प्रेज, हालेलुया ग्लोरी। आइए हम अलिशबा बजी के कमेंट पर हम मिलकर गाएंगे, रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा। आमिर भाई ज़रूर हम आपकी वाइफ के लिए दुआ करेंगे, सिस्टर फरजाना उनका नाम है, जितने लोग हमें देख रहे हैं आप भी ज़रूर
इन सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें, ताकि मैं और आप मिलकर इन सब के लिए बरकत चाह सकें। और मेरा ईमान है कि जब हम मिलकर दुआ करते हैं तो खुदावन जिंदगियों में काम करता है। कवल हनिया, थैंक यू सो मच कवल भाजी, खुदावन आपको बरकत दे। साहिल अंजुल रंधावा, थैंक यू सो मच, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लकी जावेद है, थैंक यू सो मच लकी। अदनान अकरम है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में हम शुक्रगुजार ही करेंगे। प्रेज योर, हालेलुया। वकार विलियम है, थैंक यू सो मच वकार भाई, खुदा आपको बरकत दे। आइए मिलकर गाएंगे हम यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज thank you.
मेरा ईमान है कि आप इस जबूर के वसीले से जरूर खुदा ने आपको बरकत दिया, क्योंकि आपकी फरमाइश पे हमने गाया था, रहमत नाल है परया होया पार लिया होवा साडा। हालेलुया जी। हारून शाहिद भाई है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जी। अरुण भाई आप जरूर आपकी दुआ करेंगे, हारून शाहिद है, वो कह रहे हैं कि हमारी प्रमोशन के लिए आपने दुआ करनी, मेरी जॉब की प्रमोशन के लिए। मेरा ईमान है कि खुदावन बहुत जल्द आपकी जॉब की प्रमोशन करने वाला है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे और हम गाएंगे जलाल जलाल तेरा है जलाल। हालेलुया ग्लोरी प्रेज।
और इसके बाद हम जिंदा खुदा के कलाम को सुनेंगे और इसके बाद बीना तारे बीमारों के लिए।
की बंदी बीमारों के लिए दुआ करेगी, तो आज बहुत सारे बीमार यीशु के नाम में चंगाई हासिल करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, कोर्स करेंगे और अपने अपने लिए कलाम को मांगेंगे। मैं चाहूंगी जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप अपने अपने लिए खुदा के कलाम को मांगे। आज मेरा ईमान है वो आपके साथ बोलेगा, कहिए खुदावन मैं सुनने आया हूँ तेरे कलाम के, उन सच्चे मोतियों को मैं चुनने आया हूँ। कहिए खुदावन मुझसे बोल, अपने भेदों को खोल आज खुदावन। कहिए खुदावन तू जो मेरी जिंदगी है, आज से खुदावन मैं तेरा हूँ, क्योंकि तू मेरा मसीहा, तू जो अव्वल और आखिर रहेगा। खुदावन का कलाम मेरे जीजों फरमाता है सदा तीकर है रहमत साडे रब, उसकी रहमत उसका फजल उसका नाम हमेशा तक आने वाली जिंदगियों में आने वाली सदियों में हमेशा यीशु का नाम ही पुकारा जाएगा। ये वो नाम जो सब नामों से आला है, वो जो नाम जो जोर बख्शता है, वो नाम जो तकवीयत बख्शता है, वो नाम जो जब लोगों को आजाद करता है, वो नाम से तारीख की नापाक कुवतें यीशु के नाम से जाती है। यीशु नाम आसमान को खुलेगा, रूह की बारिश बरसा जाती है, खुदावंद की शिफा आती है। ये खुदावंद आज हम रूह की बारिश को चाहते हैं, तू हमारी जिंदगियों में जुम्बश कर। कैसे खुदावंद खुदावंद तेरी रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर देती, उसके कहने से मेरे जी तो रोशनियां वजूद में आती है। हालेलुया शुक्रगुजारी कीजिए यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ग्लोरी और रवन आई
امر مطلق پاک میں تیری شکر گزار ہی کرتی ہوں تو جو خداوند وعدے کے مطابق آج ہمارے درمیان اترا ہوا میرا خداوند کی مانگ ہے کہ پاک روح نے خداوند تیرے لوگوں کے درمیان کام کرنا شروع کر دیا تیرا پاک روح جو خداوند اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے وہی پاک روح خداوند جہاں جہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہی پاک روح خداوند کے درمیان میں مار چکے آج جب خداوند تو بولے گا تو خداوند زندگیاں بحال ہوں گی انہیں بولیں گے اور خداوند ہم آج شام اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں تیرے پاک روح کو آگے کرتے ہیں خداوند تیرا کلام جو اثر رکھتا ہے زور رکھتا ہے تقویت دیتا ہے خداوند آج ہم خداوند تیرے کلام کو تیرے پاک روح کو خداوند ماحول دیتے ہوئے خداوند چاہتے ہیں کہ وہ خداوند زندگیوں میں کام کرے ہم خداوند مل کر تیرے خادم کو سر سے لے کے پاؤں تک تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے بلس کرتے ہیں جب خداوند تیرا بندہ بولتا ہے تو آج خداوند بہت سارے لوگ تیرے کلام کے وسیلے سے آزاد اپنی زندگیاں تیرے نام کریں تیرا شکر تیری تعریف ہو یسوع کے نام میں مانگتے ہیں آمین آئیے زوردار تالیوں میں ہم خدا کے کلام کو ویلکم کریں مسیح یسوع کے عظیم پاک بابرکت جلالی اور اتم نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس خداوند نے آپ کو، مجھے، ہماری پوری ٹیم کو، سبوں کو زندگی بخشی، سلامتی بخشی، اور یہ خاص قیمتی لمحات بخش دیے کہ ہم اس کی حمد کریں۔ اور حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے، اور خدا کے لوگوں، زیبا لفظ زیبائش سے نکلا ہے، اور زیبائش کا مطلب لباس ہوتا ہے۔ راست بازوں کا لباس ہے ایمان، حمد۔ ایمانداروں کا لباس ہے اس کی حمد کرنا۔ لیکن بہت ساری باتیں حمد پر ختم نہیں ہو جاتی، ایمانداروں کا کام پرستش پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک وہ انسان جو ایماندار ہے، ہر ایک وہ انسان جس نے مسیح کو قبول کیا ہے، ہر ایک وہ انسان جس نے بپتسمہ لیا ہے، اس کے پاس اور بھی روحانی اقدام ہوتے ہیں جن کی بنا پر اس کی زندگی چلتی ہے۔ تو خدا کے لوگوں، آئیے ایمان کے چار ستون، ان پر ہم نظر کریں گے۔ آج میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اپنی سسٹر تہمینہ طارق کا، جن کے سبب سے میں آج اس پیج پر خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے اپنی پرستش کو کامل کرواتا ہے، اور میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ نوجوان زندگیوں کو، نوجوان لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں جوانی کے دنوں میں اپنی خدمت کا مکاشفہ دیا۔ بہت سارے نوجوان اس جہان کو چھوڑ کے چلے گئے، بہت سارے نوجوان اگر اس جہان میں ہیں تو وہ بہت ساری غلط سوسائٹیوں، غلط کاموں میں ملوث ہیں، لیکن یہ اس کا فضل ہے، اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے بنائے عالم سے پیشتر ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے اندر مقرر کر دیا کہ آج کے دن ہم سب مل کر اس کے پاک نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں اس خداوند کی کہ اس نے ہمیں حکمت بخشی، دانائی بخشی، اور اس سے بڑھ کر میں شکر گزاری کرتا ہوں اپنی سسٹر کی، جن کے سبب سے آج ہم سب مل کر آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سب ایمان کے ان چار ستونوں پر غور کریں۔ خدا کے لوگوں، صرف مسیحی خاندان میں پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مسیحی خاندان میں پیدا ہو کے اپنے شناختی کارڈ کے اوپر صرف مسیح لکھا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب تک آپ کے اندر یہ چار ستون نہیں ہوں گے، آپ کی روحانی زندگی معذور ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ چار پائی جو ہے نا، وہ چار ستونوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، ایک بھی ٹوٹ جائے اس کا پایا نا تو وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔
एक घर जो है चार दीवारों पर खड़ा होता है, एक भी दीवार टूट जाए तो वो घर कामयाब नहीं होता। इसी तरह एक ईमानदार भी इन चार सतूनों पर खड़ा है, अगर किसी ईमानदार के अंदर ये चार सतून नहीं तो वो नाकामयाब इंसान है, वो माजूर मसीही है, उसकी रूहानी जिंदगी माजूर है। तो इसलिए खुदा के लोगों आइए खुदा के कलाम की तरफ रुख करते हैं, तो देखते हैं ये कौन से चार सतून है जो मेरी जिंदगी में होने चाहिए, जो आपकी जिंदगी में होने चाहिए। अगर आपकी और मेरी जिंदगी में वो रूहानी चार सतून नहीं है तो खुदा के लोगों हम माजूर हैं। तो आइए कलाम मुकद्दस की तरफ रुख करते हैं, अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 42वीं आयत को सुनेंगे। आइए अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो अपने अपने कलाम मुकद्दस को खोलिए, अपने अपने घरों में बैठिए, अपनी अपनी बाइबल को खोलिए, अपने रूहानी हथियार को अपने हाथ में लीजिए। तो आइए रसूलों की अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी 42वीं आयत में से हम सुनेंगे। और लिखा है कि और ये रसूलों से तालीम पाने, पहली बात, और ये रसूलों से तालीम पाने, दूसरी बात और रफाकत रखने, तीसरी बात और रोटी तोड़ने, और चौथी बात और दुआ करने में मशगूल रहे। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने के सबब से हम सबों को बरकत मिले। आमीन। सब अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अपने अपने मोबाइल से आमीन लिखिए ताकि आप सब खुदा के कलाम में मुत्तफिक हो जाएं। आमीन लिख के सेंड कीजिएगा ताकि आप पता चले कि यहाँ पर लोग खुदा के रूहानी लोग मौजूद हैं। सब आमीन लिखिए और सुनिएगा। पहला सतून आज हम देख रहे हैं और ये सब रसूलों से तालीम पाने। पहली बात क्या है जी, रसूलों से तालीम पाने। यहां पे हमें वफादारी की बात नजर आती है कि अगर मसीह को कबूल किया है, अगर मसीह के साथ हम लोग चल रहे हैं, अगर किसी खादिम को, किसी को हम लोगों ने रूहानी शख्सियत को उस्ताद माना है तो उस उस्ताद के साथ मुंसलिक रहने के लिए खुदा का कलाम हमें ये चीज बता रहा है कि सबसे पहले लिखा है कि ये रसूलों से तालीम पाने, यानी कि अपने उस्तादों के साथ मुंसलिक थे। एक रूहानी ईमानदार शख्सियत जिसने यीशु को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद उससे उसके लिए सबसे पहला जरूरी स्टेप ये है, उसका पहला जरूरी सतून ये है कि वो अपने उस्तादों के साथ मुंसलिक रहे, अपने उस्तादों से तालीम पाए। आज लोग बड़े ना होशियार हैं, बड़े समझदार हैं अपने आप में, वो तौबा तो कर लेते हैं, माफी तो मांग लेते हैं, बपतिस्मा तो ले लेते हैं, थोड़ी सी बाइबल पढ़नी आ जाती है तो वो अपने उस्ताद की मुखालफत शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर कलाम में लिखा है कि वो रसूलों से तालीम पाने। खुदा के लोगों कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कोई भी बेटा अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता और कोई भी शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए ये लोग अपने उस्तादों से तालीम पाने, रसूलों से तालीम पाने में मशगूल थे। आप और मैं जबकि ईमानदार हैं तो सिर्फ हम लोग ईमानदार नाम के ना बने, बल्कि पहला सतून हमारा यह है कि हम लोग रसूलों से तालीम पाएं, अपने उस्तादों से तालीम पाएं। और तालीम क्या है? तालीम बाइबल की तालीम है। जो तालीम हमें बाइबल से मिलती है उस तालीम को हासिल करना, ताकि हमारा एक बहुत बड़ा रूहानी सतून जो तालीम का सतून है उसको हमें मजबूत करना है। अगर हमारे पास तालीम नहीं है तो खुदा के लोगों हम हलाक होते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। अदम मार्फत की वजह से, तालीम की वजह से, तालीम की कमी की वजह से हम लोग हलाक हो रहे हैं। लेकिन किस तरह, वजह क्या है? क्योंकि हम लोग अपने उस्तादों के पास बैठना पसंद नहीं करते, हम तालीम पाना पसंद नहीं करते। हालांकि बाइबल मुकद्दस में ईमान का सबसे पहला सतून है कि वो रसूलों से तालीम पाने में मशगूल थे, और दूसरी बात है कि वो रफाकत रखने, वो अपने उस्तादों के पास आते थे, अपना वक्त अपने उस्तादों के पास गुजारते थे।
आज मेरे और आपके लिए भी ये जरूरी है कि हम लोग अपने उस्तादों के पास आए, हम खुदा के अकदाम के पास आए, हम गिरजा घर में आए और वहां आकर तालीम को हासिल करें, रफाकत रखें। ये नहीं कि हम लोग घर में बैठे टीवी पर ही तालीम को हासिल कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर हम लोग कहें ना कि भाई जी तुम चर्च नहीं आए, भाई जी तुम चर्च नहीं आए, वो कहने नहीं सत्ता ज्यादा ना कि इतवार की इबादत जड़ी टीवी से कर ली। मैं बहुत शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने बहुत सारे अकदाम को टीवी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन खुदा के लोगों इस बात को याद रखिएगा कि वो एक आपका अलग पहलू है। आपके घरों में अगर आप लोगों ने टीवी चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपका चर्च में ताल्लुक होना बहुत जरूरी है। अगर हैकल की जरूरत ना होती, अगर चर्च की जरूरत ना होती, तो यीशु खुदा दाऊद और सुलेमान से हैकल ना बनवाता। खुदा कहता अपने अपने कराची बह के तुसी कर लेंदे, क्योंकि आइंदा वक्त आगे का वक्त साइंस का दौर था, खुदा को पता था कि लोग बड़े समझदार हैं, उन्होंने बड़े सारे टीवी चैनल्स चला लेने, लेकिन खुदा की हैकल में आना, घुटनों के बल होना, अलग होके रफाकत में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए खुदा के लोगों वो लोग पहला रुकन ये था, पहला सतून ये रसूलों से तालीम पाने, और दूसरी बात वो रफाकत रखने में मशगूल थे। और लिखा है कलामे मुकद्दस में कि जमा होने से बाज ना हो, जमा होने से बाज ना हो। आज के दौर में कोरोना वायरस की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, जमा होने से बाज आ गए, लेकिन खुदावंद की ये भी शुक्रगुजारी है कि खुदावंद इंटरनेट के जरिए हमें जमा करता है, इंटरनेट के जरिए हमें अपने पास बुला लेता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलके इंटरनेट के थ्रू खुदावंद की हमद करें। खुदावंद के लोगों ये बहुत बड़ा अच्छा पहलू है, लेकिन हम अपने घरों में जमा हो सकते हैं, अपने अपने घर में अपने अपने खानदान को लेके जमा होना है, अपने अपने घर में अपने अपने फैमिली को लेके घुटनों के बल होके दुआ करनी है, एक दूसरे के साथ कलामे मुकद्दस को शेयर करना है, एक दूसरे के साथ मिलके हमने उसकी हमद करनी है, क्योंकि कलाम कहता है कि जमा होने से बाज ना हो। अगर हम जमा होने से बाज आ चुके हैं तो खुदा के लोगों इसका मतलब है कि हमने खुदा के कलाम को रोक दिया हो, तो फिर हमारा ये वाला रुकन, ये वाला सुतून जो है कमजोर है अगर हम जमा नहीं होते। अब इस तरफ से भी हमें गिरा सकता है। और तीसरी बात लिखा है कि वो रोटी तोड़ने में, बहुत सारी कलीसियां हमें रोटी तोड़ने से भी मना करती हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रियां हमें रोटी तोड़ने से भी मना करती हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा आखिरी फसा के वक्त कि मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो कि जब मैं नहीं होऊंगा तो तुमने मेरी यादगारी के वास्ते ये खून और बदन का काम, इस रस्म को अदा करना। ईमानदारों का एक जरूरी रुकन है कि वो यीशु मसीह के खून और गोश्त में शरीक हो। जो यीशु मसीह के खून और गोश्त में शरीक नहीं होता और किसी मिनिस्ट्री की तालीम में लग जाता है, दुनियावी तालीम में लग जाता है, खुदा के लोगों वो रूहानी ईमानदार नहीं है, उसकी रूहानी जिंदगी कमजोर है। इसलिए यीशु मसीह के खून और गोश्त में शरीक होना बहुत जरूरी है। जब तक आप यीशु मसीह के खून और गोश्त में शरीक नहीं होते, आप यीशु के कफारे का इनकार करते हैं। जब कफारे का इनकार कर दिया तो फिर हमारा मसीही होने का फायदा ही नहीं, फिर तो दूसरे लोग भी मसीह की तालीम पर अमल जरूर कर जाते हैं, आप भी अमल कर रहे हैं, लेकिन रोटी तोड़ने में कफारे पर अब जब आपका ईमान ही नहीं, जब आप रोटी नहीं तोड़ते, यीशु मसीह के खून और गोश्त में शरीक नहीं होते, तो खुदा के लोगों आपका तीसरा रूहानी सतून भी कमजोर हो चुका। इसलिए जरूरी है हर ईमानदार के लिए कि वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, और तीसरी बात रोटी तोड़ने में मशगूल रहे। और चौथा एक खास रुकन और भी है, और वो दुआ करने में मशगूल रहते थे, दुआ करते थे वो जमा हो के। जैसे आजकल लॉकडाउन के दिनों में लोग घरों में बैठ के जमा होके सिर्फ टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, बहुत सारी और एक्टिविटीज हैं उनको सर अंजाम देते हैं, बहुत सारे काम हैं वो अपने घरों में बैठ के करते हैं लॉकडाउन के दिनों में, लेकिन लिखा है कि वो दुआ करने में मशगूल रहते थे।
ईमानदारों, जरूरी रुकन है कलाम में भी लिखा है कि दुआ आसमान की कुंजी है। दुआ आसमान की कुंजी है। जब हम आसमान, जब हम दुआ नहीं करते तो आसमान बंद। और आसमान के बारे में लिखा है कि आसमान खुदा का अच्छा खजाना है। इसका मतलब जिसके लिए आसमान बंद उसके लिए अच्छा खजाना बंद, उसके लिए नेमतें बंद, उसके लिए बरकतें बंद, उसके लिए मौजज़े बंद, सारा कुछ तो बंद हो गया, उसके लिए खुदा नाराज हो जाता है। तो खुदा के लोगों, दुआ करना बहुत जरूरी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है पुराने अहदनामे में कि जब तू दुआ करेगा, जब तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। पहली बात, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। फिर लिखा है कि तू घर आते वक्त भी मुबारक, घर से बाहर जाते वक्त भी मुबारक, तेरी बीवी भी मुबारक, तेरे बच्चे भी मुबारक, तेरा माल मवेशी भी मुबारक, तेरा खेत भी मुबारक, तू जिस काम को हाथ लगाएगा वो भी सबका सब मुबारक हो जाएंगे। तो करना की है सिर्फ और सिर्फ दुआ, सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत करनी है। घरों में 3-3 घंटे की फिल्म देखी जाती है लेकिन दुआ नहीं करते तो फिर बरकतें नहीं है। फिर किसी और को कह रहे होते हैं साढ़े दुआ करो, असी बड़े मुश्किल से। कलाम मुकद्दस में लिखा है जब तू मेरी इबादत करेगा, अगर तू मेरी इबादत करेगा फिर बरकतें होंगी। किसी की वजह से इबादत की बरकतें नहीं मिलेंगी, आपकी अपनी इबादत की वजह से। इसलिए खुदा के लोगों, चार रुकन, चार सतून अगर मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं है तो फिर हम नाकामयाब मसीह हैं, हम माजूर मसीही हैं, हमारी रूहानी जिंदगी माजूर है। पहला रुकन है तालीम पाना, पहला सतून है तालीम पाना। अगर हमारे पास तालीम नहीं है तो हम नाकामयाब इंसान हैं। अगर हमारे पास रफाकत नहीं है रसूलों के साथ, खुदा के लोगों के साथ, ईमानदार जमायत के साथ हमारी रफाकत नहीं है तो हम लोग मजूर मसीह हैं। अगर हम ईमानदार जमायत के साथ मिलकर रोटी नहीं तोड़ते तो हम नाकामयाब मसीह हैं। और अगर हम ईमानदारों के साथ मिलकर दुआ नहीं करते तो हम मजूर, नाकामयाब, बीमार मसीह हैं। इसलिए खुदा के लोगों, ईमानदार बनने के लिए इन चार सतून पर गौर करना बहुत जरूरी है। और सिर्फ गौर नहीं करना बल्कि इन पर अमल करना है। अगर आपने आज इस कलाम के सबब से बरकत पाई है तो खुदा के लोगों, इस कलाम पर अमल भी करना। सुनने वाले नहीं, महज कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले मसीही बनने, ताकि हम आसमान की बादशाही का हिस्सा बने। कलाम मुकद्दस में लिखा है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं लेकिन इनाम वही हासिल करता है वो जीत, जो जीत जाता है। तो खुदा के लोगों, कलाम तो सारे सुनते हैं लेकिन कामयाब वो इंसान है, आसमान की बादशाही में वही जाता है जो उस पर अमल करता है। सिर्फ सुनने वाले नहीं कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, बल्कि उस पर अमल करने वाले मसीही बने। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। कामयाब मसीही होने के लिए इन चार सतूनों पर अमल करना है, तालीम को पाना है, रफाकत रखनी है, रोटी तोड़नी है और दुआ करनी है। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस कलाम के लिए जिसके सबब से तेरी बेटियों, तेरे बेटों ने बरकत पाई। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस मिनिस्ट्री के लिए, तहमीना तारिक वर्शिप मिनिस्ट्री के लिए और अपनी बहन तहमीना तारिक के लिए। बाप, जिनको आपने अपने जलाल के लिए चुना, मुकर्रर किया और बनाए आलम से बेशतर अपनी बेटी की रूह पर मोहर कर दी कि वो आज के दौर में तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल दे। तो आसमान के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि कोई इबलीस की कुव्वत तेरी बेटी की खिदमत को रोकने ना पाए, बल्कि तेरी बेटी की खिदमत मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक फैल जाए और बहुत सारे मसीही लोगों को कादरे मुतलक खुदा तेरे मसबा तक लेकर के आने वाली हो। ऐ यहोवा यरीम, जितने लोग इस कलाम को सुन चुके हैं वो इन चार सतूनों पर अमल करने वाले और आसमान की बादशाही के वारिस बन जाए। बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, छूना और बड़ी बरकत अदा करना मसीह के नाम की कुदरत के सबब से। आमीन। अब वक्त है कि बीमारों के लिए दुआ हो, तो
तो हमारे पास हमारी सिस्टर दीना तारिक है, वो आगे आप सबों के लिए दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम उसके कलाम के लिए, इस ब्लेस्ड वर्शिप के लिए कि खुदावन आज शाम यहाँ पर मौजूद था, उसका तख्त यहाँ पर लगा हुआ था। और मेरा ईमान है कि आज शाम आपने आज के कलाम के वसीला, आज की वर्शिप के वसीला बहुत बरकत पाई और आपकी जिंदगियां तब्दील होंगी। आइए अब जितनों ने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, मैं नाम बनाम लेकर उनका खुदा से दुआ करूंगी। और मेरा ईमान है कि खुदावन आपकी जिंदगियों को रिहा करेगा, आजाद करेगा आपकी परेशानियों से, बीमारियों से। आइए सब मेरे साथ मिलकर अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, तू जो यहोवा यरी है, तू जो बचाने और छुड़ाने वाला खुदा, तू जो अल्फा और ओमेगा है खुदा, तेरे नाम से खुदावन हर चीज वजूद में आई खुदावन। खुदावन तू अल्फा और ओमेगा है खुदावन। आज शाम मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावन, तेरे यहाँ जाने के लिए खुदावन, खुदावन तेरे तख्त के लिए, तेरी अनॉइंटिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन तू यहाँ पर मौजूद है खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे पाक रूह के लिए खुदावन। आज की शाम का सारा इज्जत ऑनर तेरे नाम को देते हैं खुदावन। खुदावन पूरी टीम को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन। खुदावन जिस तरह आज हम इकट्ठे हुए हैं खुदावन, हमेशा हम तेरी हजूरी में झुके और खुदावन हम तेरे नाम को जलाल दें और हम घटे और तू हमारी जिंदगियों में बढ़े और तेरा ही नाम हमारी जिंदगियों में बढ़े खुदावन। आज शाम खुदावन जितनों ने हमें प्रेरित रिक्वेस्ट भेजी है, एक एक को खुदावन नाम बे नाम लेकर तेरी हजूरी में लाती हूँ। देख खुदावन तू शिफा का मंबा है खुदावन। जितने लोग खुदावन बीमार है, जिन्होंने मुख्तलिफ बीमारियों में गिरफ्तार है, देख खुदावन कोई भी बीमारी तेरे नाम से बड़ी नहीं है खुदावन। तू मुझे जात का खुदा है, तू शिफा का मंबा है, शिफा तुझ से जारी होती है। तो खुदावन आज मैं हर तरह की बड़ी बीमारी को तेरे यीशु नाम में रिलीज करती हूँ। तू शिफा की नदियां जाए कर और तेरे लोग खुदावन जो बीमारियों में कैद है खुदावन, तू उन्हें रिहा कर, तू आजाद कर खुदावन। आज शाम बंधन टूटे, जुए टूटे खुदावन, बीमारियों से लोग रिहाई पाए, लोग आजाद हो खुदावन और तेरा बेटा यीशु मसीह हर जिंदगी में खुदावन जलाल पाए खुदावन। हालेलुया खुदावन। जितने भी लोग खुदावन आज शाम बे औलाद है, देख खुदावन तो अपनी तरफ से हाथ बढ़ा खुदावन, अपने आसमान उनके लिए खोल, उनके बंद रहम को खोल खुदावन। औलाद तेरी तरफ से मेरास है खुदावन। खुदावन जब तू हन्ना की दुआ को सुन सकता है, उसकी मिन्नतों को सुन सकता है, उसे सैमुअल जैसी औलाद दे सकता है, तो देख खुदावन आज जितने भी लोग इस टाइम खुदावन ऑनलाइन है खुदावन, जिन्होंने ये प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे आगे नहीं बल्कि तेरे आगे भेजी है, तो खुदावन तो अपने लोगों पर रहम कर खुदावन, उन्हें औलाद जैसी बरकत अता कर, क्योंकि खुदावन तू देने की कुदरत रखता है खुदावन। तेरे आगे किसी चीज का जोर नहीं चलता खुदावन। जितने भी लोग खुदावन बे औलाद हैं खुदावन, मैं तुझसे उनके बंद रहम को खोलती हूँ खुदावन और तुझसे दुआ करती हूँ खुदावन के तूने बहाल कर खुदावन, तेरा शुक्र हो खुदावन। इसके साथ साथ खुदावन जितनी भी बीमारियां खुदावन, अगर कोई बीपी की बीमारी में गिरफ्तार है तो तेरे यीशु नाम से आज बीपी की बीमारी जाए खुदावन, कैंसर की बीमारी तेरे यीशु नाम से जाए खुदावन, हर तरह की बीमारियां खुदावन, गुर्दों की बीमारी खुदावन तेरे यीशु नाम से जाए खुदावन। खुदावन तू रिहाई देने वाला, तू आजादी देने वाला बाप है, तू बहाल करने वाला बाप है खुदावन। आज जितने भी लोगों ने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए, तो खुदावन तो अपने आसमान को खोल और उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को सॉल्व, क्योंकि खुदावन तो अपने लोगों के मांगने से पहले ही जानता है कि उन्हें किस चीज की जरूरत है और तू मुहैया करने वाला बाप है खुदावन। और खुदावन जितने लोगों ने आज कहा है खुदावन कि उनकी जॉब बहाल हो, तो खुदावन उनकी जॉब के लिए तुझसे दुआ मांगती हूँ खुदावन। तो तमाम रास्तों को खोल खुदावन, अच्छी जगह मुहैया कर खुदावन, ताकि लोगों के लिए खुदावन कारोबार को खोल तू खुदावन, और तेरा नाम खुदावन लोग शुक्र अदा करें खुदावन और तेरे नाम को जलाल दे खुदावन। तू ही सजदो तारीफ और तमजीब के लायक है यहोवा यरी। आज शाम सारा ऑनर तुझे देती हूँ खुदावन। हर रोज इसी तरह हिम्मत और ताकत देकर खुदावन जितने भी लाइव देख रहे हैं और हम सब मिलकर अपनी जिंदगियों में पहला दर्जा तुझे दे, तेरे कलाम को पढ़े खुदावन, हम तेरे फॉलोअर के लायक खुदावन, लोग हमें हमारे नाम से नहीं बल्कि तेरे नाम से जाने खुदावन, क्योंकि तू ही वाहिद खुदा है जो बचाने और छुड़ाने वाला खुदा है खुदावन। खुदावन तू हमें जोर दे, तू हमें कुव्वत दे खुदावन, तू हमें बहाल कर खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन इस सारे वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावन। तू मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब के तमाम वक्त के लिए कि आप सब आज हमारे दरमियान मौजूद थे, हमारे साथ मिलकर आपने खुदा के कलाम को सुना,
खुदा की वर्शिप को की हमारे साथ मिलकर। और मेरा ईमान है कि आज की प्रस्तिश के वसीला, कलाम के वसीला आप तमाम ने बहुत बरकत पाई है। आप हमेशा हमारे लिए दुआएं करते हैं, इस बात के लिए आप सबकी बड़ी थैंकफुल हूँ। और आप हमेशा हमें तहमीना तारीख वर्शिप मिनिस्ट्री को, हमारे वर्शिप स्कूल को अपनी खानदानी और शख्सी दुआओं में याद रखें, ताकि हम जो खिदमत का काम खुदा ने जो हमें खिदमत का तोड़ा दिया है, हम इसको ईमानदारी से, वफादारी से और उसके नाम में भरते चले जाएं। आप सबके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एक बार गॉड ब्लेस यू ऑल।